बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी इस समय। आपकी तमाम चिंताओं का हल इस समय निकल जाएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस समय अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय कम होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी के निर्णयों से बचिएगा। बेहतर होगा कि भगवान कृष्ण को आप पीले फूल अर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, नौकरी में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की स्थितियां इस समय बेहतर दिखाई दे रही हैं। आपके परिवार में शुभ कार्य होने के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है, और अगर किसी छोटी यात्रा पर जाते हैं तो आपको लाभ होगा। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप चढ़ा दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक रूप से आपकी बेहतरी होती दिखाई दे रही है। मेंटली आप मजबूत होंगे। रुके हुए काम भी इस समय आपके पूरे होंगे, बनेंगे। धन लाभ के योग भी इस समय फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। चीजें बहुत बेहतर हैं, इसे और भी अच्छा बनाएं। एक लोटा जल भगवान सूर्य को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बनाए रखें, कीमती सामान संभाल करके रखें, कीमती सामान खो सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह अगर इस समय आप लेते हैं तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करने से भी लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका फायदा होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी पहले की तुलना में जरूर बेहतर होगी इस समय। और इस समय आपके धन लाभ के सुंदर योग भी निश्चित रूप से बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में अपने बच्चे के करियर को लेके, उसके जीवन को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है। इस समय अगर आप माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी और दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, कार्यों में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इस समय। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के मामलों में,
आपके प्रेम के मामलों में तेजी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। करियर में आपको इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। यात्रा की संभावना इस समय आपकी बन रही है, उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपको सफलता ज्यादा मिले, तो एक लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना है। मकर राशि, आपको इस समय अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। रिश्तों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, रिश्तों की समस्या से इस समय बचना चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी इस समय आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी रख करके निर्णय लेना ठीक होगा। इस समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, नौकरी में आपके परिवर्तन के योग इस समय चल रहे हैं। सोच समझ करके ही नौकरी का करियर का निर्णय लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। अगर आप निर्धन व्यक्ति को कुछ धन का दान कर दें तो आपका दिन, आपका समय पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना।